बहन का भात करने के लिए भाई चित्तौड़गढ़ से ऊंट पर सवार होकर कपासन पहुंचा। भाई ने अपनी बहन को 60 तोला सोने के जेवर और 30 किलो चांदी का कलश देकर भात भरा। कपड़ों गहनों से भरे ऊंट और बैलगाड़ियों को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। ऊंट पर सवार होकर आए बहन का भात करने आए भाई कन्हैया लाल को राजस्थान का गोल्डन मैन भी कहा जाता है। कस्बे के पब्लिक पार्क में भात मनाने बहन पक्ष आए थे। इसके बाद यहां से भात दो ऊंटगाड़ी और 5 बैलगाड़ियों में आयोजन स्थल वारिका तक ले जाया गया। बैलगाड़ियों में महिलाओं ने भात का गीत गाया। ऊंटों को काफी अच्छे से सजाया गया था। कस्बे में आकर्षण का केंद्र बनी ऊंटगाड़ी को देखने के लिए लोग सड़कों पर रुक गए। बता दें कन्हैयालाल जो कि राजस्थान के गोल्डन मैन माने जाते हैं, 15 साल पहले वो चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड पर फलों का ठेला लगाकर व्यवसाय करते थे। उसके बाद उन्होंने सेब का काम किया जिसमें उसने खूब तरक्की की। एक बार उनके दोस्त ने 2 तोले गोल्ड की चेन पहनाई थी, तब से उन्हें गोल्ड का बेहद शौक है।